स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल द ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स पे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का एक नया चैप्टर द माइक्रोबियल वर्ल्ड। क्लास 8 का चैप्टर 2 है साइंस का, द माइक्रोबियल वर्ल्ड, यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी दुनिया कैसी होती है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही माइक्रोब्स भी कहते हैं, दोनों का अलग अलग नाम है पर मीनिंग एक ही है। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे माइक्रोब्स का, किसके क्या गुण हैं, फिर वेयर आर माइक्रोब्स फाउंड, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो भी पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने तरह में बांटा गया है वो भी हम लोग अभी पढ़ेंगे इस वीडियो में पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे यूज़फुल माइक्रोब्स हार्मफुल माइक्रोब्स यानी कि उसका क्या यूज़ है क्या हार्म है, फूड प्रिजर्वेशन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म सो अ ग्रेट वेराइटी इन शेप एंड साइज, यानी कि जो जीवित जीव जंतु होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग अपना आकार शेप एंड साइज दिखाते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर क्वाइट बिग सच एज ब्लू व्हेल, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कुछ जो जीव होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं जैसे कि ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल आप लोग जानते ही होंगे जो पानी में रहता है समुद्र में रहता है मछली। एंड सम आर वेरी स्मॉल दैट कांट बी सीन विथ अनएडेड ह्यूमन आइज, और कुछ बहुत छोटा होता है बहुत छोटा जो नहीं देखा जा सकता है किससे, सो ह्यूमन के खुले आँखों से। खुले आँखों से कहने का मतलब ये नहीं कि आप आँख बंद कर देंगे तो आपको दिखेगा, नहीं, खुले आँखों से यानी कि बिना कोई डिवाइस के यूज किए बिना आपको ये नहीं दिखेगा। दे कैन ओनली बी सीन बाई यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप, वो लोग बस एक ही जरिए से देखे जा सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है उसके मदद से बस देखे जा सकते हैं। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स, मैंने बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स में कन्फ्यूज नहीं होना है, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब, किस तरह के जो कि ह्यूमन के खुले आँखों के द्वारा नहीं देखे जा सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करके देखा जा सकते हैं जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसा ब्रांच साइंस का जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करवाता हो उसको क्या कहेंगे माइक्रोबायोलॉजी, एंड साइंटिस्ट डीलिंग विद देम आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और वैसे साइंटिस्ट जो ये माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ रहे हैं और ऐसे साइंटिस्ट क्या को क्या कहेंगे माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जिससे पढ़े जिसके जो इसके ऊपर काम कर रहे जो इससे डील कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि इसके क्या क्या गुण हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके क्या क्या गुण हैं। तो सबसे पहला इनका गुण है कि दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन सच एज एक्सट्रीम हीट और कोल्ड, यानी कि ये लोग बहुत ज़्यादा हर एक कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो या बहुत ज़्यादा ठंड, हर एक कंडीशन में ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं। विच में सीम इनअप्रोप्रिएट फॉर ह्यूमन बींग्स, जो कि हम ह्यूमन बींग्स के लिए इनअप्रोप्रिएट यानी कि सर्वाइवल नहीं हो सकता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि हाउ डू माइक्रोब सर्वाइव इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कैसे करते हैं। तो अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, और नहीं तो फिर अभी मैं बता रही हूँ कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिकॉज दे हैव हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड सिस्ट, वो लोग के शरीर जो होता है बॉडी उसके ऊपर एक हार्ड आउटर कवर होता है जिसको क्या बोलते हैं सिस्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है हार्ड कवर उसको क्या बोलते हैं सिस्ट बोलते हैं। विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्श कंडीशन, जैसे कि मैंने पूछा था क्यों, तो ये इसका फंक्शन ही होता है कि हर एक कंडीशन में उनको सर्वाइव करने में मदद करता है,
वो जो हार्श कंडीशन होता है उससे उनका बचाव करता है। दे रिमेन इनएक्टिव इनसाइड द सिस्ट, यानी कि वो लोग एक्टिव नहीं रहते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी कि बेहोश टाइप का हो जाते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं किसमें, तो अपने सिस्ट के अंदर। अगला हमारा पॉइंट है, दे मे अकर एज ए सिंगल सेल और फाउंड टुगेदर इन क्लस्टर कॉल्ड कॉलोनीज। अभी हम बात आता है ये सिंगल सेल क्या होता है। सिंगल सेल आप लोग जानते होंगे यूनिसेलुलर, और हम लोग बहुत सारे सेल के बने हुए, तो मल्टी सेलुलर। तो यहाँ बोल रहा है कि वो लोग सिंगल सेलुलर यानी यूनिसेलुलर या सेलुलर यानी कि सिंगल सेल के भी हो सकते हैं या फिर एक साथ पाए जा सकते हैं क्लस्टर में, जिसको कॉलोनीज बोलते हैं, ठीक है, कॉलोनीज। दे कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल टू अस, वे लोग हम लोग के लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं यानी कि लाभदायक भी हो सकते हैं, और हार्मफुल यानी कि हानिकारक भी हो सकते हैं। ये थे हमारे कुछ गुण माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, और अब हम लोग पढ़ेंगे वेयर आर माइक्रोब्स फाउंड, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के बहुत अंदर, इन बॉइलिंग हॉट स्प्रिंग, झरना में, गर्म पानी के झरना में भी, इन फ्रोजन ग्लेशियर में, डिजर्ट में, इन डीप सी, यानी कि बहुत अंदर समुद्र के। दे कैन ऑल्सो बी फाउंड इन आवर होम्स एंड स्कूल, यानी कि वो हमारे घर और हमारे स्कूल में भी पाए जा सकते हैं। वी कैन फाउंड डिम ऑन टच पैड ऑफ मोबाइल फ़ोन, यानी कि जो फ़ोन को अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिससे आप अभी पढ़ रहे हैं, उसके टच पैड यानी कि स्क्रीन पे भी आप किसको फाउंड करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। एंड मोस्ट पीस ऑफ ब्रेड, अ लॉग ऑफ वुड, ब्रेड पे, वुड पे, बॉडीज ऑफ प्लांट, प्लांट के जो बॉडी होते हैं उन पे, एनिमल एंड इवन इनसाइड आवर बॉडी, यानी कि एनिमल में भी और यहाँ तक कि हमारे बॉडी में भी, हमारे बॉडी पार्ट में भी, हमारे बॉडी के बाहर तो रहते ही हैं अंदर भी। दे कैन इवन सर्वाइव अ वॉल्केनिक इरप्शन, वो लोग वॉल्केनिक इरप्शन को भी सर्वाइव कर सकते हैं, और न्यूक्लियर ब्लास्ट, या फिर न्यूक्लियर ब्लास्ट जब न्यूक्लियर बम फटता है वहाँ भी वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं। और ये सब क्यों, तो ये सब इसलिए क्योंकि वो लोग के जो बॉडी होता है उसके बाहर एक आउटर कवर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, उसको सिस्ट बोलते हैं। ये मैंने बोला था, ये पॉइंट है, यही सब जो सिस्ट आउटर कवर है उसका बॉडी का, वही उसको मदद करता है इतने सारे जगहों में सर्वाइव करने में। तो आज हमने क्या पढ़ा है, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स, वेयर आर माइक्रोब्स फाउंड, ये तीन पॉइंट अभी हमने पढ़ा, और बाकी का ये जो चार पॉइंट है हम लोग आगे करके एक एक वीडियो में पढ़ते जाएंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ द वीडियो होता है द एंड, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।